और फाइनली दोस्तों महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। और ये जब से दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है इसका प्राइस वेरिएंट सब कुछ पता चल गया है, मात्र 12 लाख में दोस्तों। ऊपर से आप एक रुपए भी बचा लेंगे, मात्र 12 लाख में आप तड़कता भड़कता सुपर हिट ये ले सकते हैं दोस्तों न्यू स्कॉर्पियो एन। देखते ही लोग इसके दीवाने हो जाते हैं और जब आप इसे बैठ के चलाते हैं ना दोस्तों, एक अलग ही फील मिलता है, ऊंचा ऊंचा। मतलब 12 लाख में दोस्तों एक शोरूम प्राइस रखी गई है सबसे बेस्ट मॉडल का। और मतलब आप जब इसे ले गए, टच करेंगे, इसके सामने खड़े होंगे ना, तो फॉर्चूनर से कम रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। एकदम लंबा चौड़ा ऊंचा, डायमेंशन के मामले में तो कुछ हद तक लंबी और ऊंची है ये नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा ने सबसे ज्यादा चौंकाया इसके प्राइस को लेकर। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लेना चाहते हैं तो, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। क्या हो जाएगा आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है ना कि आपको याद होगा महिंद्रा XUV700 जब ये लॉन्च हुई थी ना दोस्तों, और तब से लेके आज तक महिंद्रा XUV700 का प्राइस जो है ना बढ़ के 2-3 लाख रुपए ज़्यादा हो गया है। महिंद्रा ने साफ साफ बता दिया कि देखो भैया, हमने 11,99,000 से लेकर के 20 लाख तक नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लॉन्च कर दिया है। ऑटोमेटिक और 4x4 का प्राइस अभी आना बाकी है। अगर हम अंदाजा लगाएं दोस्तों तो 25 लाख तक इसके प्राइस जाएगी। और महिंद्रा ने दोस्तों ये भी साफ साफ कह दिया है कि भाई देखो, अगर आपको इसी प्राइस पर लेना है तो 25,000 कस्टमर को ही इस प्राइस पे मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे थे तो जल्दी से जाके ले लेना, बुकिंग करवा लेना। और अगर हम इंजन की बात करें दोस्तों तो टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल में आएगी एमहॉक इंजन के साथ। फीचर्स स्पेसिफिकेशन आप जानते ही हैं, नो डाउट न्यू स्कॉर्पियो एन पूरी तरह से न्यू है। इसमें पुराना वाला स्कॉर्पियो का नाम यूज किया गया है लेकिन इसमें सब कुछ फुल्ली न्यू है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ न्यू है, सिर्फ स्कॉर्पियो का नाम लिया गया है। पावरफुल इंजन के साथ आती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी की, तो सेफ्टी में महिंद्रा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो भी टाटा की तरह मजबूत क्वालिटी की कार बनाता है। और नई स्कॉर्पियो एन में दोस्तों आपको मिल जाता है 6-6 एयरबैग जो आपकी सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब जिस तरह XUV700 5 स्टार रेटिंग के साथ आई ना, तो ये भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आएगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का अगर आप पेट्रोल वर्जन लेते हैं, स्टार्टिंग होती है बेस मॉडल से 11,99,000 से, उसके बाद अगर आप 50,000 ज़्यादा देते हैं डीजल वेरियंट मिल जाता है। और उसी तरह से अगर हम टॉप मॉडल पर जाते हैं ना दोस्तों, तो 19,49,000 में आपको मिल जाता है एक शोरूम प्राइस मैनुअल का। और ऑटोमेटिक और 4x4 का प्राइस तो आने वाला है जैसा कि हमने बताया। और इस बात में तो कोई दोराय नहीं है दोस्तों कि अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जो महिंद्रा ने दिखाया है। इसे आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, एसी कंट्रोल कर सकते हैं, एलेक्सा कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 360 कैमरा आपको मिल जाता है, एवरीथिंग आपको मिल जाता है। और महिंद्रा तो दोस्तों बार बार कंपेयर कर रहा है फॉर्चूनर से, तो आधे दाम में दोस्तों आपको मिल रही है ये स्कॉर्पियो। और अब दोस्तों फॉर्चूनर का न्यू जनरेशन भी आने वाला है, वो भी नए नए फीचर्स नए नए लुक के साथ, उसके बारे में दोस्तों हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है ना, मतलब कम प्राइस में सभी लोगों के बजट में आने वाली है। 18 इंच के दोस्तों आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देता है और एक अलग सा आपको पावर देता है। और अगर आप कैप्टन सीट लेना चाहते हैं तो कैप्टन सीट मिल जाता है, बेंच सीट लेना चाहते हैं तो बेंच सीट मिल जाता है। थर्ड रो की बात करें दोस्तों तो थर्ड रो जो भी कार आप लेंगे ना, इनोवा को छोड़ के, इनोवा में पीछे जो लोग बैठते हैं थोड़ा बहुत आराम मिलता है, थाई सपोर्ट मिलता है, लेकिन बाकी और कारों की अगर हम बात करें ना दोस्तों तो उसमें थर्ड रो में आपको उतनी जगह नहीं मिलती। तो स्कॉर्पियो एन में भी आपको पीछे वाली थर्ड रो में थाई सपोर्ट कम मिलता है। और वैसे भी दोस्तों 7 सीटर जो होता है ना कार, उसमें पीछे जो है ना लोग बूट स्पेस के लिए ही यूज करते हैं, और थर्ड रो को अगर आप मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, तो भैया बूट स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा बन ही जाता है। न्यू स्कॉर्पियो एन का दोस्तों दो बात काफ़ी ज़्यादा खास है। पहला तो ये अच्छे से टक्कर दे रहा है भाई, लुक में अच्छे से टक्कर दे रहा है, फीचर्स में अच्छे से टक्कर दे रहा है, और तो और एकदम बिल्ड क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, प्राइस भी ज़बरदस्त है, मतलब टक्कर तो दे रहा है भाई। दूसरी खास बात यह है कि जो लोग लेटेस्ट कार लेना चाहते थे SUV कार,
उन लोगों के लिए पहली पसंद बन जाएगी। आप सोच लो ना दोस्तों, 12 लाख में मिड साइज एसयूवी मिलती है और आपको ये कार मिल जाएगी फुल साइज एसयूवी, तो कमाल तो होगा ही। इसका इंटीरियर तो आपने देखा ही दोस्तों, डैशबोर्ड हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, सीट हो, एसी हो, स्पीकर हो, तो 12 स्पीकर दोस्तों सोनी के आपको दिए गए हैं, मतलब साउंड की कमी नहीं होगी, मोबाइल चार्ज करने के कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो नो डाउट दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंतजार काफी मीठा रहा, देर से आई लेकिन जबरदस्त आई, एक तरह से कहें तो वैल्यू फॉर मनी कार है। तो आप दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में क्या कहना चाहते हैं बताइए हमें नीचे कमेंट्स में, जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।